हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इनफैक्ट यूपीएससी 2013 के मेंस में ये एक क्वेश्चन भी आया था कि किन रीजंस की वजह से लॉर्ड डलहौजी को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। आज हम इन्हीं सारे रीजंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। ये इंडिया के यंगेस्ट गवर्नर जनरल रहे और उनके कार्यकाल में एक तरफ तो इंडिया में काफ़ी सारी तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुई और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी से देश में एक आग सी लगा दी थी। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स और साथ ही डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। डलहौजी के कार्यकाल में सबसे पहली बार पैसेंजर ट्रेन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई 1853 में। इस ट्रेन में 3 लोकोमोटिव स्टीम इंजन थे जिनका नाम रखा गया साहिब, सिंध और सुल्तान, और इसकी पहली यात्रा में 400 लोगों ने सफर किया। पहली पैसेंजर ट्रेन को चला गया था बॉम्बे और थाने के बीच। थाने महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इन दोनों जगहों के बीच की जो दूरी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ने तय की वो थी 34 किलोमीटर और इस रेलवे लाइन की चौड़ाई थी 5 फीट 6 इंचेस। इनफैक्ट आज भी यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई आज भी सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह भी है कि दुनिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 1825 में चली और इसके जस्ट 28 साल के बाद इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आ गई, जबकि भारत एक गुलाम देश था तभी। लेकिन अगर हम इस स्थिति को आज के भारत में कंपेयर करें तो वर्ल्ड की पहली बुलेट ट्रेन 1964 में चली थी और इस इवेंट को अभी 55 साल हो चुके हैं और इंडिया में तो बुलेट ट्रेन का इंतज़ार आज भी देश में हो रहा है। वैसे इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2022 को चलेगी एज़ पर द करंट प्लान। इसके अलावा 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ और पहली बार पोस्टेज स्टैम्प्स इशू किए गए। साथ ही पूरी कंट्री के लिए एक सेंट्रल पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया था और साथ ही आम लोगों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। इन सब डेवलपमेंट्स का क्रेडिट भी लॉर्ड डलहौजी को ही मिलता है। इसके अलावा बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स, बंदरगाहों को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया। साथ ही 1852 में इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था क्योंकि टेलीग्राफ की मदद से आप तुरंत मैसेज पहुंचा सकते हैं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। उस टाइम टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं, तो टेलीग्राफ सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट मीडियम था। पहली टेलीग्राफ लाइन से कलकत्ता और आगरा को कनेक्ट किया गया था। बेसिकली टेलीग्राफ सिस्टम में मोर्स कोड को इलेक्ट्रिक लाइन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। डलहौजी जब इंडिया में आए तो उससे पहले सारे पब्लिक कंस्ट्रक्शंस मिलिट्री से कराए जाते थे, यानी ब्रिज बनाना हो, सड़क बनानी हो तो मिलिट्री से ही मजदूरी करवाई जाती थी, तो आप समझ सकते हो कि सोल्जर्स की क्या हालत हो जाती होगी। लेकिन डलहौजी ने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया। उसने पब्लिक कंस्ट्रक्शंस के लिए एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जिसे PWD कहा जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है और आज भी रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और ब्रिजेस का काम PWD डिपार्टमेंट ही करता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में गुरखा रेजिमेंट को भी फॉर्म किया गया और साथ ही शिमला को भी परमानेंट आर्मी हेडक्वार्टर बनाया गया। चलिए अब बात करते हैं सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। एजुकेशन के फील्ड में डलहौजी के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। उसके टेन्योर में 1854 में वुड्स डिस्पैच इंडिया में आया, जिसे इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर शुरुआत। इसी के चलते लंदन यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए, नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में अपलोड कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये रहा कि 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम स्टार्ट किया। इससे पहले सिविल सर्वेंट्स वही लोग बन सकते थे जिन्हें डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करते थे, तो 1853 से सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी हो गया। इसका एग्ज़ाम लंदन में ही होता था और एक फन फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम हॉर्स राइडिंग का भी होता था सिविल सर्विसेज में। पहले भारतीय जिसने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया उनका नाम था सत्येंद्रनाथ।
ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और इन्होंने एग्जाम क्लियर करने के बाद 30 साल की सर्विस की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। 1871 तक सिर्फ 4 इंडियन सिविल सर्वेंट्स बने। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। इस एक्ट ने हिंदू विडोज को फिर से शादी की लीगल मान्यता दे दी थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी लड़कियों को पैदा होते ही मार देने को अबोलिश किया। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पर। लॉर्ड डलहौजी एक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। उसने सेकंड एंग्लो बर्मीज वार में बर्मा यानी आज का म्यांमार को हराकर एनेक्स कर लिया था। इसके अलावा सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब को भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का पार्ट बना लिया। इतना ही नहीं, उसने इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को इस्तेमाल करके सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को भी एनेक्स कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डिपेंडेंट और प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स के राजाओं को बच्चे गोद लेने की इजाजत नहीं थी और इसी सिचुएशन में अगर राजा की कोई संतान नहीं है तो उस स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता था। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डलहौजी ने अवध को भी हत्या लिया था और उसका रीजन ये दिया कि अवध के नवाब जो हैं वो ठीक से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अवध वही स्टेट है जिसे ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन दी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इतना सब कुछ करके अराउंड 8 साल के गवर्नर जनरल बने रहने के बाद लॉर्ड डलहौजी 1856 में वापस लंदन चले गए। लेकिन जो कांड उन्होंने किए, जैसे कि अवध को जबरन हत्या लिया, उससे अवध के लोग और इंडियन सोल्जर्स भड़क गए थे। अवध के एनेक्सेशंस ने मुस्लिम्स को भी नाराज कर दिया था, साथ ही विडो रीमैरिज एक्ट से हिंदूज को भी काफ़ी परेशानी हुई। इसीलिए जब लॉर्ड डलहौजी वापस लंदन पहुंच के अपनी कहानियां अपने दोस्तों को सुना रहे होंगे, उस समय इंडिया में 1857 का रिवोल्ट शुरू हो चुका था, जिसकी शुरुआत हुई थी मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली से। बुक्स टॉवर चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, साथ ही हर हफ्ते एक नई वीडियो आपको मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स टॉवर।